हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप से कोई भी फोटो या वीडियो अगर जो आपके गैलरी में डाउनलोड करने के बाद सेव नहीं हो रहा है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा। और जैसे मेरे व्हाट्सएप पर कोई भी फोटो या वीडियो भेजता है और उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ, तो वो मेरे गैलरी में सेव नहीं होता है। तो अगर जो इस तरह से आपका भी सेव नहीं होता है तो आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। और वो ओपन करने के बाद आपको ऊपर साइड राइट साइड कोने तरफ आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई देगा। तो आप ऊपर साइड राइट साइड कोने तरफ आप इस 3 डॉट पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह से आएगा। तो उसके बाद आप यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह से आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक चैट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ चैट्स के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह से आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाता है, मीडिया विजिबिलिटी। तो देख सकते हैं ये सेटिंग अभी ऑफ है। तो आपको क्या करना है, आपको मीडिया विजिबिलिटी सेटिंग को ऑन कर देना है। आपको यहां पर क्लिक करना है और ये सेटिंग ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ये सेटिंग ऑन कर देंगे उसके बाद व्हाट्सएप पर कोई भी फोटो या वीडियो भेजेगा तो उसको आप देखेंगे तो वो आपके मोबाइल के गैलरी में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप में ये सेटिंग ऑन कर दीजिए और उसके बाद आपका व्हाट्सएप में आया हुआ फोटो वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा देखने के बाद, डाउनलोड करने के बाद। तो